देखा भाई कितनी देर है। मारुति स्विफ्ट आर्टिका है, इसका हम लोग फुल इंजन ओवरहाल कर रहे हैं, क्रैंक फिटिंग कर दिए हैं। क्रैंक फिटिंग हो गया, हम लोग अब पिस्टन लगाने जा रहे हैं। पिस्टन अब इसमें आयल सेपरेटर वो लगा हुआ है, उसको क्रैंक लगाने से पहले आयल सेपरेटर को लगा लिया जाता है। आयल सेपरेटर यही है, यही है, ये देखो यही है, यही है आयल सेपरेटर, यही है आयल सेपरेटर। चार्ज लगता है, मारुति स्विफ्ट आर्टिका है, आर्टिका का इंजन है। देखिए सब आयल सेपरेटर जाली लगा दिए हैं, पिस्टन स्लिप एकदम नहीं लगी है, स्लिप एकदम चकाचक सब नहीं लगी है। ये जेन्युइन पिस्टन है, ये जेन्युइन पिस्टन है। अब हम लोग अब इसको लगाएंगे। इसमें पिस्टन रिंग का कट बताएंगे, हम लोग अब इसका पिस्टन डाल रहे हैं। ये डालेंगे, एक इशू ड्राइवर गिरा चला, चालू एक कनेक्टिंग, एक नंबर है, यहाँ एक नंबर है, दिख रहा है एक नंबर, देखो एक नंबर है। एक पिस्टन का आयल सेपरेटर जो होता है जारी, जो पिस्टन को लुब्रिकेट करता है, इसको जेड बोलते हैं। ये जेड जिधर रहेगा कट उसी साइड रहेगा। और ये ग्रुप है रिंग का, ये देखिए, ये जो है सेकेंड कंप्रेसर रिंग यहाँ रहेगी, फर्स्ट कंप्रेसर रिंग इस साइड रहेगी। आयल वाली रिंग का जो कट है ये थोड़ा सा इसके विपरीत रहेगा, इसके थोड़ा सा विपरीत रहेगा। ये वाला, ये आयल वाली इधर नहीं हो सकता है, तो आयल जल्दी से चढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाए, सही नहीं रहता। एक परफेक्ट है, ये कट जो है ये परफेक्ट है। आयल वाला का कट इधर नहीं आना चाहिए, तो लो कमजोर हो जाएगा कंप्रेसर। ये जो है यही है, ये जो आर जेड है, आर जेड की तरफ कट लगा रहेगा इसका कट। दूसरा सिस्टम ये है, एक पिस्टन भाई कट, तो कट आर्किंग की तरह रहेगा जब, तो ये मार्किंग जो है टॉप पे रहेगी, कट एकदम जेड के सामने सामने रहेगा, तो मार्किंग एकदम सेट है, परफेक्ट है, समझ लो कि पिस्टन हमारा एकदम सही हुआ। इधर दिखाना तुम, इधर दिखाना, लौकत ना ना, ये देखो कट इधर है, ये देखो रिंग जो है, ये टॉप है ना टॉप, ये दिखाओ टॉप, ये टॉप लिखा हुआ है तेरा पर। हाँ ये टॉप, जितनी भी रिंग होंगी सब टॉप ऊपर की तरफ रहेगा। देखो ये जो है, ये देखो कट इधर ही रहेगा, इसका और है, देखो हर रिंग का टॉप ऊपर की तरफ है, हर रिंग का टॉप ऊपर की तरफ है। ये तीर का मार्का एकदम टॉप की तरफ, इधर टाइमिंग की तरफ होना चाहिए, ये टाइमिंग की तरफ रहेगा, तो ये जो सोलो जेड है, जेड जो है एकदम जेड एकदम टाइमली सही रहेगा। ये हमने पिस्टन डाल दिया है सर, ये लुब्रिकेंट पिस्टन को बहुत ज़रूरी होना है, बहुत ज़रूरी करना होता है। अच्छा।
देखिए कट जो है मतलब जो ऑयल सप्लेटर होता है, ऑयल सप्लेटर अपना इस साइड है। देखो इधर का कट, ये ऑयल ऑयल वाली रिंग का कट है, ये वाली फर्स्ट रिंग कंप्रेसर का कट है, सेकंड कंप्रेसर का कट इधर है, ये इधर है। देखो इधर है, दिख रहा है? दिख रहा है। देखिए ये है सेकंड वाले का, ये है फर्स्ट वाले का, ये है ऑयल वाले का, ये है और हम लोग इसको क्लिप लगा के डाल देंगे। मारुति स्विफ्ट आर्टिका है, इसका हम लोग पिस्टन कंप्लीट ठोक चुके हैं चारों, अभी कनेक्टिंग कसे नहीं है। अब इसको हम लोग सीधा इस तरह करके डाल लेते हैं, क्रैंक सीधा करके पिस्टन ठोक लेते हैं। ठोकने के बाद अब कनेक्टिंग फंसाएंगे। ये हम लोगों का चारों पिस्टन कंप्लीट ठोका गया है, 1 2 3 4। ये मार्किंग जो होती है टाइमिंग की तरफ होती है, इसका भी मार्किंग उधर है, इसका भी मार्किंग उधर है, मतलब एकदम एक्यूरेट है, चकाचक है, ऐसे ही होता है आर्टिका का। ये हम लोग कम्प्लीटली पहले चैम्बर वो ठोक लिए थे, पिस्टन ठोके, फिर अब एक कनेक्टिंग पल्ला लगा रहे हैं हम लोग। ये अब हम लोग लगा रहे हैं पल्ला इस पर, ये 2 नंबर है, 1 नंबर अंदर है, 2 2 3 बाहर है, फिर 4 नंबर अंदर है। तो पहले हम 2 3 को फंसाएंगे, फिर 1 4 को फंसाएंगे, तो हम 2 नंबर पहले फंसा रहे हैं। हम लोग तो लगा दिए पूरा कंप्लीट कनेक्टिंग का पल्ला, पूरा चारों पिस्टन कंप्लीट ठोके हैं, फिर पल्ला लगाए हैं। ये पल्ला लगाते समय एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये पल्ले पे ना एक नंबर, एक कनेक्टिंग पे एक नंबर लिखा है, एक एक नंबर, जिधर जिस साइड एक एक नंबर रहेगा उस साइड एक एक नंबर दोनों ओर मैच होना चाहिए, तभी तो, नहीं तो क्रैंक जाम हो जाएगा। इधर देखो 4 नंबर है, देखो 4 नंबर इधर, 4 4 नंबर दिख रहा है एकदम सटीक, 4 4। देखो 4 नंबर इस पे, 4 नंबर उस पे, कंप्लीट दिख रहा है ये 4 नंबर। तो इसी तरह सारी कनेक्टिंग पे हमारी जो पल्ले लगे हुए हैं, ये पल्ले जो लगे हुए हैं, देखो ये 3 नंबर है, साफ नहीं लग रहा है, हाँ ये अभी दिखा रहा है, देखो के बोला था, देखा का कहता हो देखिए ये 2 नंबर है, 3 नंबर होगा ना फिर, देखो 3 3 नंबर है, 3 3 नंबर, 3 नंबर है, ये सब दिख नहीं रहा है। और ये जो है ये देखो 2 नंबर है, ये 2 नंबर दिखाई दे रहा है, इसी तरह नंबर को देखना होगा।